हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या कर रहे हो पाठक? मुझे जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। 20 साल के करियर में बिना गोली चलाए आज तक काम चलाया मैंने, और बहुत शानदार चलाया। आज मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत कर पाठक। लेकिन मैंने चलाई है। क्यों मुझ पे अपना टाइम और पैसा बर्बाद करूं छू पिंकेश? जब से ये पैरालिसिस का अटैक आया है, काम धंधा छोड़ के घर बैठा हूं, और तू भी अपना काम खोटी करके दिन रात मेरी सेवा में लगा हुआ है। पापा, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। देखना, बहुत जल्दी आपके पाँव में बिल्कुल बिल्कुल पहले जैसी ताकत आ जाएगी। मेरी ताकत तो तू है बेटा, लेकिन मेरे कारण तुझे पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम धंधे पर लगना पड़ा। पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मम्मा के गुजर जाने के बाद आपने मेरा कितने अच्छे तरीके से ख्याल रखा। ये सब तो कुछ भी नहीं है। मैं बहुत जल्दी बहुत पैसे इकट्ठे करूंगा और मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में आपका इलाज कराऊंगा। भगवान, ये क्या कर रहे हो? हमने कुछ नहीं किया, चोर उचक्के मिल गए, धर दबोचा, मारा पीटा, रुपया पैसा मोबाइल सब छीन लिया। अकेले जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी अकेले जाने की? एक तो कंपनी ने पहले ही काम से निकाल दिया, बेरोजगार बैठे हो, और ऊपर से वो कॉम्पेंसेशन के पैसे, कितने पैसे मिले थे? 25,000। सारे के सारे गए? हे भगवान, किस फनौती के साथ मेरी शादी कर दी है? इससे तो अच्छा होता कि मुझे कुएं में ढकेल देते। हाँ, कोई पानी पिला देता। बहुत दर्द हो रहा, पेन किलर हो तो दे देना मुझे। पेन किलर? पेन किलर चाहिए आपको? एक तो वैसे ही पेन बन के हमारे सर पे बैठे हो। एक काम क्यों नहीं करते, खुद ही को किल कर लो, कम से कम हमारा पेन कम हो जाएगा। फूलों की लड़ी वहां पे लगवा देना, और सभी कुर्सियां ना वहां पे रखवा देना, समझे? अरे अरे दीनदयाल भाई, हाँ कैसे हो? अरे बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। मैं अरे मजाक कर रहा हूं पापा। अंकल एक मिनट। हां हां पापा, प्रीति पिंकी सीधा भागी। अरे कथेड़ा, मेरा मुंह क्या देख रहा है? उस कमीने को ढूंढो, उसे मार डालो। जाओ जाओ जल्दी। जी बाबा। देखो, हम संबंधी बाद में, पहले अच्छे दोस्त हैं। जिस लड़के के लिए प्रीति मेरे बेटे रोनित को मंडप पर छोड़कर चली गई है, वो बचेगा नहीं, मार डालेंगे उसे। हेलो राहुल, रोनित को फोन देना। तू चिंता ना कर प्रीति, बस एक बार हमारी शादी हो जाए, उसके बाद हम सबको मना लेंगे। तुम तो जानते हो ना पिंकेश, मेरे पापा और विक्की भैया को कैसे खूंखार जानवर हैं वो। बस एक बार इस खंबात से निकलकर मुंबई पहुंच जाएं,
उसके बाद मेरी जान में जान आएगी। बस 5 मिनट रुकेगी यहाँ पे, चलो चलो चाय नाश्ता करके जल्दी से आ जाओ, चलो फटाफट। वो पानी नहीं बोतल लेने आओ छो। सॉरी सॉरी भाई। हाँ, बात लव की रेंज मैरिज नहीं ना थी, अभी शादी नहीं करनी। सुखी तू, तू मिल मुझे। जो गलती पापा ने कर ली वही गलती मैं भी करूं? तेरे बाप की गलती मैं नहीं तू है। माँ सुनो ना, आई लव यू। लव यू लव यू, ध्यान रख अपना। अच्छा मैं 1 सेकंड में बाद में बात करता हूँ। ओह आई एम सॉरी। बात समझ में नहीं आ रही तेरे? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर कोई लड़की पे हाथ उठाए या उसकी बेइज्जती करे तो मेरे अंदर का जानवर बाहर निकलाता है। ए, क्या हो रहा है? हीरो बनने की जरूरत नहीं है, पुलिस केस से सीधा अंदर जाओगे। मैं तो बस इसकी स्ट्रेचिंग करवा रहा था। स्ट्रेचिंग? चलो तुम्हारी स्ट्रेचिंग हम करवाते हैं हवालात में। मटके का पानी पिएगा भी? रहीमी सर, सिंघम बनवाने शौक है ना, इसलिए। ये भरूच पुलिस का सिंघम ही तो है। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ ज्यादा, ऐसा सुना है मैंने। Am I right? इंस्पेक्टर जय पाठक। सर तो फिर बारोट? सर बारोट कुछ दिनों के लिए एक अंडरकवर मिशन के लिए गया है। सर आई एम सॉरी, गलती हो गई। सर मैं भी सॉरी। अरे कोई बात नहीं, क्या है कि अपनी पर्सनालिटी थोड़ी हीरो जैसी है तो कंफ्यूजन हो जाता है, और वैसे भी इतने बड़े गुजरात में ऐसे छोटे मोटे किस्से होते रहते हैं। अभी काम पे लग जाएं। सर जी सर, यहाँ पे सारे विटनेस को इकट्ठा करो, सबसे पूछताछ करो और सबको क्राइम स्पॉट से हटाओ। ठीक है सर। ओके सर। पीछे लीजिए सर। दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोल जा रही है सर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पापा समझो। एक मिनट। देखिए आप चिंता ना कीजिए, हम हैं। अब इन्हें लेके जाइए और गाड़ी में बिठाइए। सर एक आई विटनेस ने बताया कि एक बाइकर आया और उस पर गोली चलाई और निकल गया। ये बाइकर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो निकालने की कोशिश करो, पंचनामा करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मैं और पिंकेश बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से मेरे भैया और पापा नहीं माने और फिर जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवानी चाहिए।
इसलिए मैं और पिंकेश मुंबई भाग के जा रहे थे और फिर इन दोनों ने मिलके नहीं सर, हमने उसे नहीं मारा। इसके ऊपर उस लड़के का भूत सवार था। हम तो इसे सिर्फ वहां लेने गए थे। हाँ सर, और जब तक हम वहां पहुंचे तब तक वो लड़का मर चुका था। ऑफिसर, मेरे क्लाइंट के खिलाफ ना तो आपके पास कोई सबूत है ना कोई एविडेंस, और अगर पूछताछ खत्म हो गई हो तो हम चलें। ठीक है, अब लोग अभी यहां से जा सकते हैं। चलो बेटा। तू सिर्फ एक बार घर चल, दिखाता हूं तुझे। अगर हाथ भी लगाया ना तो स्ट्रेच करके 1.5 फुट लंबा कर दूंगा। शादी के मंडप से होने वाली बीवी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। लड़के का खून तो खूब खौला होगा। दूल्हे और उसकी फैमिली की जन्मपत्री निकालो, और ये जो पिंकेश है पता लगाओ कि उसकी या उसकी फैमिली के किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी। और वागेदा पाठक, विक्टिम की फैमिली को इन्फॉर्म करो। यस सर। पिंकेश, मेरी इसी हालत के कारण मैं उसकी जान नहीं बचा पाया। जाते जाते आया था वो मेरे पास। बेटा संभल के जाना, एक दूसरे का ख्याल रखना। पापा, अब दवाई टाइम से ले लेना। मैंने बटुक महाराज को बोल दिया है, वो रोज आकर खाना बना देगा और आपके पाँव की मालिश भी कर देगा। जाते जाते भी उसे मेरी ही चिंता थी। पिंकेश प्रीति से बहुत प्यार करता था, पर प्रीति के भाई विक्की ने ही उसे मार डाला। लेकिन आपको कैसे पता कि विक्की ने ही? वो आया था मेरे पास। ए बुड्ढे, किधर है तेरा बेटा पिंकेश? मालूम है, वो मेरी बहन को बेला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया है। अगर वो नहीं मिला ना तुझे मार डालूंगा यहीं पे। बता। हाँ बोल, कहाँ पे? नजर रख उस पर, नजर रख। मैं बस आ रहा हूँ 10 मिनट में, नजर रख उस पर। तू ना तेरे बेटे की अर्थी का इंतजाम करके रख ले। गन पॉइंट पर धमकी देकर गया है सर, ऐसे किसी के पास गन हो सकती है? नहीं, नहीं करूंगी मैं शादी। तेरे जैसी बेटी को तो पैदा होते मार डालना चाहिए था। दीनू, ये क्या कर रहा है तू? अरे जवान बेटी है, उस पर हाथ नहीं उठाते। इसकी बेशर्मी तो देखो, इतना सब होने के बाद भी जिद नहीं छोड़ रही। खानदान की नाक कटवा दी इसने। वो तो हरिशंकर जी की मेहरबानी है कि वो अब भी अपने बेटे रोनित की शादी इसे करने के लिए तैयार है। चलिए धरा, इस समय ऐसी बात करने का टाइम नहीं है। जवान बेटी है, सदमे में है, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर लेगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देख, सदमे से बाहर आने दे, फिर बात करते हैं। अच्छे से पूरे घर की तलाशी लो। सर, सर लेकिन तलाशी किस बात की? तेरी गन, जिससे तू लोगों को धमकियां देता फिरता है और लोगों के मर्डर करता है। सर, क्या कह रहे हैं सर? सर किस गन की बात कर रहे हैं? ये गन मिली है। किसी गन की बात कर रहा हूं मैं, आपके बेटे की गन। चल, तेरी तकदीर तो आप छुट्टी पे है, तेरी बारात का टाइम हो गया, इसको लेके जाओ। लेकिन सर। लेके जाओ इसको। सर लेकिन। तो आप इनके करीबी हैं, मेरा मतलब इनके खास है ना? कितने खास? बचपन के दोस्त। मतलब कृष्णा सुदामा टाइप, जो दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंकेश का मर्डर भी करना पड़े तो भी, या फिर कोई खास वजह। देखिए सर, आप लोगों ने मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मेरे खास दोस्त पर इल्जाम मत लगाइए। पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि उस कमीने पिंकेश को किसने मारा है। आ गए दोस्ती निभा के,
अपने घर की और घर वालों की तो आपको पड़ी नहीं है, जब देखो तब उसके घर जाते रहते हैं। दीनदयाल बचपन का दोस्त है, मुसीबत में उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। मुसीबत तो आनी ही थी, मुझे रिजेक्ट करके उस पिंकेश से शादी करने चली थी वो। तू कैसी बातें कर रहा है? सही कह रहा है, अपने बेटे की इज्जत की तो पड़ी नहीं है आपको। जिस दोस्त की लड़की ने इसे बेइज्जत किया उसी के आगे पीछे घूमते रहते हो। सर बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। सर पिंकेश को लगी बुलेट विक्की के गन से फायर नहीं हुई है, उसका मर्डर 9mm से हुआ है, किसी और गन से। ठीक है विक्की को जाने दो, पर हाँ नजर रखो उस पर, हो सकता है कि उसी के कहने पर किसी ने पिंकेश को मारा। सर सर जिस गन से पिंकेश का मर्डर हुआ है उसी गन से दो शूटआउट्स पहले भी हो चुके हैं खंबात में, जयेश पटेल और लाखू दरबार के बीच। सर लाखू को 3 साल पहले भी अरेस्ट किया था लेकिन बेल पर छूट गया, ना वो गन मिली ना लाखू ने गन के बारे में कुछ बताया। सर शादी में आए सारे बारातियों से पूछताछ की, पिंकेश के मर्डर के टाइम दूल्हा रौनक शादी के हॉल से गायब था, और सर कुछ मेहमानों ने सुना दूल्हे का बाप दूल्हे से फोन पे कह रहा था पिंकेश को ढूंढो और खत्म करो। तुम्हें रौनक और उसके घर वालों से पूछताछ करने के लिए जाओ, मैं लाखों दरबार से जरा मिल के आता हूँ, ठीक है? यस सर। आप यहाँ इस हालत में क्यों बैठे हैं? आप प्लीज घर जाइए। मैं कैसे जा सकता हूँ सर, आपने तो मेरे बेटे के कातिल को छोड़ दिया सर। विक्की के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम कातिल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। अरे भाई आपके बेटे का लाखों दरबार के साथ कोई कनेक्शन था क्या? वो गुंडा, मेरे बेटे ने कभी किसी को नजर उठा के देखा नहीं आज तक, उसका किसी गैंगस्टर से रिलेशन कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से पिंकेश को अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, बहुत टाइम हो गया। मेरी पार्टी ने कहा अभी तक वो मुंबई नहीं पहुंचा है। तो एक काम करता हूं मैं उसको एक फोन लगा लेता हूं, बहुत टाइम हो गया। रौनक, पिंकेश के मर्डर के टाइम ना तुम मंडप में थे और ना ही रिलेटिव्स के साथ तुम प्रीति को ढूंढ रहे थे, कहाँ थे तुम? तुम्हारे पास ब्लैक बाइक है ना? किले भी ब्लैक बाइक पे आया था। सर मैंने पिंकेश का मर्डर नहीं किया। बोलो, अगर तुम मर्डर स्पॉट पे नहीं थे तो कहाँ थे? ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अंदर डालना पड़ेगा। सर ऐसे कैसे लोकअप में डाल सकते हैं आप मेरे बेटे को? क्यों नहीं डाल सकते? देखो चल उठा, चल इसको अंदर डालते हैं। सर सर मैं बताता हूँ मैं कहाँ था। पर पापा के सामने नहीं। पापा प्लीज मुझे 2 मिनट बात करवा दो ने। सर सर 3 साल पहले मैं अरेस्ट हुआ, हफ्ते भर बाद ही डिलीवरी के वक्त मेरी बीवी की मौत हो गई, उसी वक्त मैंने गांठ बांध ली, अब कोई गलत धंधा नहीं करूंगा। 3 साल पहले जिस गन से तुमने 2 लोगों को घायल किया था वो गन कभी रिकवर नहीं हुई, और अब उसी गन से एक पिंकेश नाम के लड़के का मर्डर हुआ है। उस वक्त तुमने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था कि जब पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही थी तो तुमने वो गन फेंक दी थी, लेकिन तुम्हें याद नहीं कि कहां फेंकी थी। वाकई में याद नहीं है। अब आपसे क्या छुपाना सर, उन दिनों मेरा गन्स का अंडरग्राउंड धंधा था, उस वक्त मैंने वो गन बेच दी थी, लेकिन अब ये याद नहीं किसे बेची थी। क्या क्या प्लान बनाया था? प्रीति की शादी पे हमें काफी उम्मीदें थी,
सोचा था प्रीति की शादी हो जाएगी, हम और बिक्की बाराबंकी शिफ्ट हो जाएंगे, बिक्की गांव में बिचौलिए का धंधा शुरू कर लेगा और हम रिटायरमेंट की जिंदगी जिएंगे। सब मिट्टी में मिल गया। धीरज रख यार, प्रीति को थोड़ा शांत हो जाने दे, फिर उसके बाद जो है रोनित के साथ उसकी शादी के लिए कन्विंस करते हैं। सब्र कर। तू हमेशा आशावादी रहा है, हमें प्रीति पे भरोसा नहीं है। प्रीति बहुत ही सेल्फिश निकली, वो हमेशा अपनी खुशियों के बारे में सोचती है। ऐसी बातें नहीं करते, प्रीति तेरी बेटी है। अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। ठीक है। लीड मिली? अभी तो नहीं सर। सर ये फ्रेश प्लेट है। हाँ, पिंकेश के मर्डर के टाइम धूला रौनित दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, उसने कॉल गर्ल्स बुला रखी थी और उसके पापा रिलेटिव्स के साथ प्रीति को ढूंढ रहे थे। और सर आपको गन की कोई लीड मिली? नहीं, न कोई लीड न कोई सबूत, डेड एंड। मतलब कि घूम फिर के हम वापस वहीं आ गए, बैक टू स्क्वायर वन। हाँ, वैसे तो इन सब के पास पिंकेश का मर्डर करने का मोटिव है, लेकिन हमें पक्का मोटिव और पक्का एविडेंस चाहिए। सर, आपने पिंकेश की डेड बॉडी के पास क्या कोई कोई बैग देगा? बैग तो सर, दरअसल क्या है, उस बैग में हमारे 3 करोड़ के डायमंड्स थे। क्या? हाँ सर, एक्चुअली पिंकेश मेरी कंपनी में आंगड़िया में काम करता था ना। अरे पिंकेश आ गया तू, ये डायमंड्स की थैली है, उसे वीके पटेल के मुंबई वाले ऑफिस में पहुंचाना है, ठीक है? ये ले जा और संभल के जाना, पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। जी सर। ओके। और सर मैं आपको बता दूं कि पिंकेश इनका ही पार्सल लेके जा रहा था। सर मेरे पूरे 3 करोड़ के डायमंड्स थे, पिंकेश की बॉडी के पास मिले बैग में होंगे। लेकिन वहां तो कोई बैग नहीं था। क्या? और हमें प्रीति ने भी ऐसे किसी बैग के बारे में कुछ नहीं बताया। एनीवेज रहीमी, इनसे डायमंड के सारे डिटेल्स ले लो और सारे डायमंड मर्चेंट्स और ज्वेलर्स को इंटीमेट कर दो। वैसे तो आप लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, हर किसी डायमंड का एक यूनिक डिजाइन और नंबर रहता है, जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स। अगर हम एक भी डायमंड को ट्रेस कर पाए तो हमें सारे डायमंड्स मिल जाएंगे और उसके थ्रू हम पिंकेश के मर्डर तक भी पहुंच सकते हैं। सरस मौलिक जी। हाँ भाई, लेकिन ये आपके पास कैसे? वो पापा के पास था, अब वो तो गुजर गए और पैसों की जरूरत थी। ठीक है, ये लो। अरे अरे, लेकिन पैसे तो गिन लेते हैं भैया। क्या 3 करोड़ के डायमंड? लेकिन पिंकेश ने तो कहा था कि मुंबई जाते ही ये छोटा सा पार्सल किसी ऑफिस में पहुंचाना है। वो पार्सल कहाँ? सर वो तो पिंकेश के बैग में था। पर पिंकेश के पास तो कोई बैग नहीं मिला। सर मुझे नहीं पता बैग कहाँ है। ठीक है, हम लोग चलते हैं। अब ये बैग मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि उसी से हमें हीरे भी मिलेंगे और पिंकेश का कातिल भी। मुझे नहीं पता। पिंकेश जिस आंगड़िया कंपनी में काम करता था, वहां काम करने वाले किसी को पता चल गया था कि पिंकेश डायमंड्स लेके मुंबई जा रहा है। उसने उस पर नजर रखी, मौका पाते ही उसका मर्डर कर दिया
और फिर सारे डायमंड्स चुरा लिए। जिसके डायमंड चोरी हुए हैं उस वीडी पटेल के बारे में कुछ पता चला है? आप जौहरी कम जादूगर ज्यादा लगते हो। मतलब हमने आपकी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोलॉजी निकाल ली। आपका मैथ्स में बहुत गड़बड़ है। आप हिसाब में हेरा फेरी करके अपनी पुरानी डायमंड्स की फैक्ट्री बंद कर देते हैं और नई शुरू कर देते हैं। आप ओरिजिनल डायमंड्स के साथ नकली डायमंड्स मिक्स करते हो, फिर उसकी चोरी का नाटक करते हो और इंश्योरेंस का पैसा घटक जाते हो। और इस बार भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। अपने डायमंड्स की खुद ही चोरी करवा के इंश्योरेंस का पैसा दबोचने का इरादा है ना? आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। मैंने अपने हीरे नहीं चुराए। वैसे भी कांड वाली रात को मैं सूरत में था और पिछले 10 साल से मेरा हीरे का काम इतना चमक रहा है कि मुझे ऐसा वैसा तिकड़म करने की जरूरत नहीं है। पैसा इंसान में हैवान बनाई दे छे। आपके ये आदमी ने पिंकेश का मर्डर करके उसके डायमंड्स चुराए, सही कह रहा हूं ना? सो बात कर रहे छे। मेरे किसी भी आदमी को पिंकेश के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पिंकेश और हीरो के बारे में अगर मेरे अलावा कोई जानता था तो वो था प्रहलाद पाठक और उसका बेटा संजय पाठक। संजय इस वक्त महाभारत में क्या चल रहा है? सर सर ये क्या मजाक है? अरे ये मेरा बेटा है, आप मुझे बताइए क्या हुआ। एक मिनट, तुम्हें पता था ना कि पिंकेश डायमंड्स लेके मुंबई जा रहा है, इसलिए उसका मर्डर करके तुमने डायमंड्स चुरा लिए। डायमंड्स कहाँ हैं? सर मैंने कुछ नहीं किया। सर सर वो मेरा बेटा है, ऐसा कर नहीं सकता। दोनों को थाने ले चलो। सर मैंने मर्डर नहीं किया। सर आपकी कोई गलतफहमी हुई है। सर ये रहे आपके सारे डिटेल्स। आपने अपनी कंपनी और घर को गिरवी रख के एक बहुत बड़ा लोन लिया है और कंपनी के प्रॉफिट से आप सिर्फ इंटरेस्ट भर पा रहे हैं, इसलिए इस लोन को क्लियर करने के लिए आपने डायमंड्स की चोरी का प्लान बनाया। देखिए सर आप जो बोल रहे हैं वो सही है, हमने लोन लिया है, पर ये चोरी ये सब मर्डर ये सब हमने नहीं किया है। सर पिंकेश के मर्डर के टाइम पे मैं दिल्ली में था, आज ही वापस आया हूँ। सर आप दिल्ली होटल की डिटेल्स, सीसीटीवी कैमरा और फ्लाइट की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सर रेमी इनके फ्लाइट और होटल के डिटेल्स क्रॉस चेक करो। और हाँ, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते। फिलहाल आप लोग जाइए। समझ में नहीं आ रहा है कि पिंकेश को किसने मारा और क्यों मारा। आई बाबा मैंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया है, ये उसकी अस्थियां हैं। मैं इतना अपाहिज हूं कि अपने बेटे की अर्थी को कंधा भी नहीं दे पाया। मैंने पिंकेश से कहा था कि मेरा अस्थि विसर्जन जूनागढ़ के दामोदर कुंड में करे, अब मुझे उसका अस्थि विसर्जन करना पड़ रहा है। अब इस हालत में कैसे जाता? मैं यहां आ गया। ये अस्थियां मैं आपके हवाले करता हूं सर, ताकि आपके लिए पिंकेश एक फाइल न बन रहकर रह जाए। उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हरी भाई, पिंकेश को न्याय जरूर मिलेगा और हम आपके दुख को समझते भी हैं, लेकिन बाबा दामोदर कुंड हूं तुमने लई जाएश। और चिंता मत कीजिए। हाँ बेबी मैं शोरूम में हूं। हाँ मैं एक सेकंड बताता हूं ना। अच्छा भैया सुनो, इसका इंडिकेटर चल नहीं रहा। अरे मुझे शायरी वारी नहीं आती। हेलो, लगता है नाराज हो गई। जी सर। इसकी नंबर प्लेट क्यों नहीं लगवाई? सर अभी अभी 2 दिन पहले ही ली है बाइक। आरटीओ ऑफिस से जैसे नंबर आ जाएगा मैं लगवा लूंगा। है ना सर? जी सर। पिंकेश मर्डर के आई विटनेस ने कहा था कि फायर करने वाला
बिना नंबर प्लेट की बाइक पे आया था। हो सकता है कि उसने बाइक नहीं ली हो। एक काम करो, खंबात शोरूम से रिसेंटली खरीदी गई नई बाइक ब्लैक की लिस्ट निकालो और चेक करो उसका कोई पिंकेश के साथ कनेक्शन तो नहीं। जिसका कनेक्शन होगा वो किलर हो सकता है। ओके सर। सर, बाइक शोरूम के डीलर से मैंने बात करके लिस्ट ले ली और जितने भी ब्लैक बाइक के ऑनर्स थे उनसे मैंने पूछताछ कर ली है, लेकिन उनका पिंकेश से कोई लेना देना नहीं और ना ही उनके पास कोई मोटिव था उसे मारने के लिए। कुछ तो है इस केस में जो हमसे छूट रहा है। केस इतना सिंपल नहीं है। ये सारे लोग कह रहे हैं कि मर्डर के वक्त ये कहीं और थे। हो सकता है कि हमें गुमराह कर रहे हैं ये कह के कि हम एक दूसरे के साथ थे। ये अपना एलिबाई स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सर मुझे लगता है कि मर्डर विक्की ने किया होगा। लेकिन विक्की की गन से तो बुलेट फायर ही नहीं हुआ। शायद रोनित ने किया। वो तो कॉल गर्ल के साथ बैचलर पार्टी कर रहा था। हो सकता है कि उसने उसे पैसा देके झूठी गवाही देने के लिए बोला, क्योंकि हमें कोई ऐसे ठोस सबूत या फोटोज तो मिले नहीं है जिससे ये पता लगे कि वो पार्टी में ही था। मुझे तो संजय पाठक पे डाउट है, क्योंकि इसके पास डायमंड चुराने का बहुत बड़ा मोटिव है। एयरलाइन कंपनी से क्रॉस चेक किया, लेकिन उन्हें पैसेंजर डिटेल्स भेजने में टाइम लगेगा। हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मर्डर के टाइम पे ये दिल्ली में था या नहीं, क्योंकि होटल ने अभी तक सीसीटीवी फुटेज भेजा नहीं है। अब बचा वीडी पटेल। शक के घेरे में तो ये भी आता है, ये मर्डर बहुत ही शातिर है। क्राउड के बीच में दिन दहाड़े किसी को शूट करके चला गया और हमारे लिए कोई क्लू भी नहीं छोड़ा। हेलो, खंबात पुलिस स्टेशन। आपने फोन किया था? जी जी सर। और हाँ सर, ये वही हीरा है जिसके बारे में पुलिस ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी। और तो इसके नुक पर जो सीरियल नंबर है वो जो हीरा चोरी हो गया उसके साथ मिलता है। कौन लाया? सर यही था। इसके नाम नंबर पता सारी डिटेल्स निकालो। कौन उजाड़ के चला गया तुम? पिंकेश को मार के जो डायमंड्स चुराए थे कहां रखे हैं वो? सर, ना ही मैंने मर्डर किया है और ना ही मैंने डायमंड्स चुराए। सर्च करो। डायमंड्स कहां है? सर, मैंने डायमंड्स नहीं चुराए। बोल। चल। नई बाइक, नई घड़ी, ये चमक धमक कहां से आई? बोलता है तू। एक बताता हूँ, ना ही मैंने मर्डर किया और ना ही डायमंड चुराया। और तुमने एक चोरी का डायमंड बेचा है, बाकी के कहां हैं? वो तो जिसके थे वो ले गए। कौन? पंकज। मुझे क्या लगा तू ये डायमंड्स लेके मुंबई की बस पकड़ के हमारे हाथ से छूट जाता। मुंबई क्या, पाताल में भी छिप जाता रहा तू भी ढूंढ निकालता। पाठक, पिंकेश का मर्डर डायमंड्स के लिए किया या कोई और वजह थी? सर, मैंने पिंकेश को नहीं मारा। बस फिर ये डायमंड कहां से आए? बताता हूं सर। सर, मेरा दोस्त रोहित डायमंड की फैक्ट्री में काम करता है। मैंने जब इससे चेक करवाया तो डायमंड असली थे,
मैंने सारे डायमंड इसके पास रखे और एक एक बेचने को कहा। इसमें से एक डायमंड हमने बेचा और पैसे आधे आधे बांट लिए। सर, रोहित की नीयत फिर गई। इसने एक और डायमंड बेचा मुझे बिना बताए। मेरा और रोहित का बहुत झगड़ा हुआ। मैंने अपने सारे डायमंड्स लिए और मुंबई की ट्रेन पकड़ के बेचने के लिए रवाना हो गया। फिर वो बाइकर कौन था जिसने पिंकेश का मर्डर किया? सर, मुझे नहीं मालूम। सर, वैसे तो पापा का कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन पता नहीं किसने क्यों, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपने कुछ देखा? हाँ साहब, मैंने देखा, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था और उसकी बाइक भी नहीं लगती थी, उसका नंबर प्लेट भी नहीं था और वो वैसे मुड़ के भाग गया। सेम मॉडस ऑपरेंडी। सर, दीनदयाल का भी उसी गन से मर्डर हुआ जिस गन से पिंकेश का मर्डर हुआ था। अगर पिंकेश का मर्डर डायमंड्स की वजह से या फिर लव अफेयर की वजह से हुआ तो फिर सेम किलर दीनदयाल को क्यों मारेगा? शायद कोई पर्सनल वजह रही होगी। दोनों का सीना गोलियों से छन्नी करके किसने अपनी निजी खुन्नस निकाली होगी। हाँ, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जिसकी दुश्मनी दोनों के साथ हो? दोनों मर्डर्स में एक और सिमिलैरिटी है, बिना नंबर प्लेट वाली नई बाइक। हाँ, रही मैंने पूछताछ की थी, लेकिन बाइक खरीदने वालों से उसे कोई सुराग नहीं मिला। टेस्ट ड्राइव शोरूम में बाइक टेस्ट ड्राइव के लिए दी जाती है। पता करो कि मर्डर के दिन कौन से शोरूम से ब्लैक कलर की बाइक टेस्ट ड्राइव के लिए दी गई थी और किसको दी थी। टेस्ट ड्राइव के वक्त शोरूम में लाइसेंस की कॉपी देनी पड़ती है। इट्स अ प्रोसीजर, फाइंड इट आउट। इंस्पेक्टर जय पाठक फ्रॉम खंबात पुलिस स्टेशन। न्यू बाइक को टेस्ट ड्राइव पे ले जाने वालों का रिकॉर्ड दिखाओ। ओके सर। सर, हमें कातिल के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गया है, पर सर आज भी वो फिर से बाइक टेस्ट ड्राइव पर ले गया। तो आज किसको मारेगा? रिलैक्स, माय लास्ट।
क्या कर रहे हो पाठक? मुझे जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। 20 साल के करियर में बिना गोली चलाए आज तक काम चलाया है मैंने, और बहुत शानदार चलाया है। आज मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत कर पाठक। लेकिन मैंने चलाई है। रमाकांत, अबिस सीधा साधा भोला भाला, हालात का मारा तू कातिल कैसे बन गया? ये रही दुकान की रसीद जहां से तुमने हेलमेट, जैकेट और ग्लव्स खरीदे थे। हाँ सर, हेलमेट, ग्लव्स और जैकेट यहां से ही लेकर गया था। वो सब कैश से तुमने ये सब खरीदा ना, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतना पैसा था ही नहीं। अभी सीधा सीधा बता, तूने पिंकेश और दीनदयाल को क्यों मारा और विक्की को क्यों मारना चाहता था? उनको जीने का कोई अधिकार नहीं था। रास्ते में घसीट घसीट के एक एक बॉडी के पार्ट को कुचल कुचल के तड़पा तड़पा के मारना चाहिए था। इतना गुस्सा और इतनी नफरत आखिर क्यों? उसने मेरा जीना हराम कर दिया था, मेरा सुख, मेरा चैन सब छीन लिया था। बीटी पटेल की कंपनी में काम करता था, अचानक काम से निकाल दिया मुझे। इसी बात का गुस्सा था मुझे। बेटे के जरिए मुझे पता चला कि बीटी पटेल 3 करोड़ का डायमंड पिंकेश संगड़िया मुंबई लेके जा रहा है। बस मेरे दिमाग में प्लान आया, अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। पैसे भी मिलेंगे और पैसे की वजह से इज्जत भी मिलेगी, और बीटी पटेल ने जो मुझे काम से निकाला था उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। बस मैंने टेस्ट ड्राइव के लिए शोरूम गया, वहां से बाइक ली और पिंकेश का पीछा करना शुरू किया, और पीछा करते करते बस के पीछे चला गया। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी डायमंड मुझे हाथ नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। बस एक आखिरी उम्मीद थी, मेरे बचपन का दोस्त दीनदयाल। दीनदयाल ट्रांसफर लेके कहीं और जाने वाला था, मुझसे वादा किया था कि मुझे काम पे रखवाएगा अपनी जगह। लेकिन प्रीति की शादी टूटने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया, उसने अपना ट्रांसफर कैंसिल कर दिया, मुझे जॉब दिलाने से मना कर दिया। उसका मना जरूरी था ना, इसलिए उसका रात का पीछा किया मैंने और उसको भी मार डाला मैंने। उसकी जगह जॉब के लिए मैं ट्राई कर रहा था, विकी ने तिकड़मबाजी करके वो जॉब अपने नाम कर लिया। विकी का भी मरना जरूरी था, उसके मरने के बाद ही मुझे वो जॉब मिलती। और हम आ गए तेरा खेल बिगाड़ने, अब क्या करेगा तू? तू अब जेल में सड़ेगा। चल जूनागढ़ के दामोदर कुंड चलते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।